परवर्ती खबर को आसीबा अयोध्या पहुंचला शालग्राम पथर प्रभु श्रीराम एवं माता सीतांकर मूर्ति निर्माण पर नेपाल दुईट शालग्राम पथर अणा अयोध्या पहुंचा पर दुईट पथर को पूजार्चना करपा काली गंडकी जलप्रपात दुईट विशाल पथर अणा भगवान विष्णु स्वरूप कहुवा शालग्राम शिला हिंदू रीतनीति अनुसार पूजा कर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट को हस्तांतर कर 18 टन एवं 16 टन दुईट शिला गतकाली गोरखनाथ मंदिर में पहुंची सेठारे भव्य स्वागत करा विलंबित राति अयोध्या पहुंची सौभाग्य साली इसलिए है कि बरसों की तपस्या आज रंग लाई है और वास्तव में जो कहा जा रहा नहीं भगवा रंग चढ़ने लगा है राम मंदिर बनने लगा है तो जाने कितने लोग सपने लेके चले गए जाने कितने लोग बलिदान हो गए तो ये अगर हमें देखने को मिल रहा है ये हमें यहाँ पे इसके दर्शन लाभ मिल रहे हैं आने को मिल रहा है तो बहुत सौभाग्यशाली हम अपने को समझते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है जब भविष्य में मंदिर बनेगा तो मैं फिर से दर्शन करने आऊंगी। इतनी इतनी इतने हम खुश और रोमांचित हो रहे हैं कि ये सौभाग्य बहुत अच्छे से प्राप्त हुआ और जिस समय भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा उस दिन तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा कि कितनी खुशी होगी हमको। जब हम लोग को मालूम पड़ा कि अयोध्या में शालिग्राम पहुंच रही है तो हम लोग बैंगलोर से ये प्रोग्राम बना कि हमें पहुंचना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है हम लोगों के लिए। मैंने जिंदगी में एक आदमी जो अपनी सबसे बड़ी खुशी पाता वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी है। हम लोगों ने तुरंत प्रोग्राम बनाया कि हम लोग चलना चाहिए अयोध्या। वैदिक मंत्रोच्चारण लगातार हो रहा है और उसी से पूरी अयोध्या यहाँ पर गुंजायमान किस तरीके से हो रही है और इसी का विशेष इंतजार यहाँ पर था जिसके लिए कई सारी तैयारियां यहाँ पर अयोध्या वासी कर रहे थे और साथ साथ अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से दूर दूर से लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हर कोई उल्लास से भरा हुआ है। एक अलग उत्साह यहाँ पर लोगों के भीतर देखने को मिल रहा है क्योंकि राम की आस्था है, राम से उनकी आस्था जुड़ी हुई है और इसी नाम का उनके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और उस महत्व को और ज्यादा बड़ा करने के लिए इस वक्त यहाँ पर किस तरीके से कितनी भीड़ है आप देख सकते हैं और साथ साथ शिलाओं को भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए शिला पूजन इस वक्त हो रहा है जिसके लिए तैयारियां हो रही थी। सुबह से ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे क्योंकि गोरखपुर से इनको कल ही यहाँ पर लाया गया है। अयोध्या में इनका आगमन हुआ है उस वक्त भी भव्य स्वागत उनका हुआ था और जहां जहां से ये होती हुई यहाँ पर आई है कई किलोमीटर का सफर तय करके नेपाल के जनकपुर के पोखरा से गंडक नदी से इनको उद्धृत कर यहाँ पर लाया गया है और जहां जहां से यात्रा होती हुई आई पहले नेपाल से निकली उसके बाद फिर बिहार वो पहुंचती है वहां पर गोपालगंज मुजफ्फरपुर तमाम जगहों पर मधुबनी जहां जहां ये यात्रा पहुंची वहां वहां पर लोगों ने प्रणाम किया स्पर्श किया इस शिला का क्योंकि इसी शिला का महत्व है। ये शिला भगवान विष्णु का भगवान नारायण का अवतार मानी जाती है और ऐसे में इसी शिला को वहां पर स्पर्श करने की पूरी कोशिश उनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे थे। रास्ते भर सड़कों में इर्द गिर्द दोनों ही जगहों पर लोगों की भीड़ उस वक्त भी थी और अभी भी आप देखिए किस तरीके से आस्था लोगों की जो जुड़ी हुई है। लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं भगवान राम का नाम लिए हुए और क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं धार्मिक स्थल तो है ही अयोध्या और ऐसे में लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और जो लोग आज इसके साक्षी बन रहे हैं वो किसी भी तरीके से इस पल को कैद करना चाहते हैं। लोगों के मोबाइल फोन भी आप ऊपर देख पा रहे होंगे क्योंकि इस शिला का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। इसी से भगवान श्री राम की जो बाल स्वरूप की मूर्ति होगी उसको भव्य रूप से यहाँ पर उकेरा जाएगा। सबसे पहले अभी पूजन हुआ उसके बाद इसकी जाँच की जाएगी और जाँच के बाद आपको बता दें जांच के बाद जो फाइन आर्ट्स के आर्कियोलॉजिस्ट होंगे तमाम वो सब एकत्रित होंगे और उसके बाद इसमें देखा जाएगा परखा जाएगा इस शिला को समझा जाएगा कि किस तरीके से इसमें मूर्ति उकेरी जा सकती है लैंड नक्श किस तरीके से तय होगा कहाँ पर किस तरीके से पत्थर को काटना है कि वो एक आकार ले भगवान राम का भव्य आकार ले उसको अच्छे से परखा जाएगा। इसके अलावा और भी पत्थर मंगाए गए हैं मध्य प्रदेश से मंगाए गए हैं कर्नाटक से मंगाए गए हैं अलग अलग जगहों से मंगाए गए हैं लेकिन ये पर्वत विशेष स्थान रखता है यहाँ पर क्योंकि ये भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और गंडकी नदी जिसको खुद नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है केवल वहीं पर ये पत्थर पाया जाता है। 33 प्रकार के होते हैं ये शालिग्राम अलग अलग प्रकारों के होते हैं जिसमें से 24 प्रकार जो है वो भगवान विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं भगवान विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं और यही वो शालिग्राम पत्थर हैं जो कि वहां से लाए गए हैं। जब वहां से भी इनको लाया जा रहा था तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट की टीम वहां पर पहुंचती है क्योंकि 6 करोड़ साल पुराने ये शालिग्राम शिलाएं हैं समझ सकते हैं आप 6 करोड़ साल पुराने और इसीलिए इनको जांचा परखा गया उस वक्त भी वहां नेपाल में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम जब वहां पर थी उसके बाद क्षमा याचना की गई क्षमा प्रार्थना की गई गंडकी नदी से नारायणी नदी से जब उनको यहां से निकाला गया क्योंकि जो जीव जंतु उस नदी के अंदर होते हैं नारायणी नदी के अंदर आप
आपको बता दें उसमें जो जीव मौजूद होते हैं वो निशान बनाकर अपने धातु से इसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये तमाम कमल के चिन्ह इन शिलाओं में आपको जगह जगह पर जरूर दिखेंगे और इसीलिए ये खास हो जाती है, ये शिला सबसे अनोखी हो जाती है। और इसीलिए अभी इसका पूजन आप इस वक्त देख रहे हैं, हम तस्वीरें आपको पूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से देखिए किस तरीके से लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं, कोई नेपाल से पहुंचा हुआ है इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए और आज यहाँ पर इस शुभ पल का वो साक्षी भी है। मैं आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा हूँ, शिलाग्राम पूजन का यहाँ पर तस्वीरें हैं। 45 मिनट तक यहाँ पर पूजन होंगे और 31 पुरोहित जो हैं वो लगातार मंत्रोच्चार कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों शिलाओं का यहाँ पर पूजन चल रहा है और साथ ही साथ जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं हमारे सामने जो तस्वीरें हैं, थाली में जो पूजन सामग्री है, जो प्रसाद है, वो तमाम प्रसाद के समान और तमाम पूजन सामग्री के साथ यहाँ पर लगातार पूजन अर्चन चल रहा है। चंपत राय जो कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो सभी पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नेपाल के जानकी मंदिर के मुख्य पुरोहित यहाँ पर मौजूद हैं। हम तस्वीरों में लगातार देख पा रहे हैं कि लगातार मंत्रोच्चार यहाँ पर हो रहा है और लगातार जो पूजन का कार्यक्रम है वो यहाँ पर हो रहा है और साथ ही साथ जो अयोध्या वासी हैं सैकड़ों की तादाद में वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो लगातार यहाँ पर इस पूजन को देखते हुए हर कोई श्रद्धा में अटूट यहाँ पर अटूट श्रद्धा रखा हुआ है भगवान शालिग्राम में। और इन्हीं शिलाओं से जो मूर्तिकार हैं वो पहले इसे जांचेंगे क्योंकि इसके अलावा भी कर्नाटक और उड़ीसा से दो शिलाएं आ रही हैं दोनों जगह से, उसके बाद एक बार शिल्पकार चेक करेंगे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखने के बाद उसके बाद तय किया जाएगा कि कौन कौन सा जो प्रतिमा है इनसे बनाई जाएंगी। तो यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं।